करते हैं दोस्तों, जैसा कि आज इसने साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 400 का है वो उसने तोड़ दिया, उसके नीचे आके इसने क्लोजिंग दी है। अब हमें देखना यह है कि अगर ये इनके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देता है इसके बिलो, जैसे 390 के बिलो अगर ये क्लोज कर देता है तो वापस ये 350 और 330 के लेवल हमको दिखा देगा। TCS में जिसका दोस्तों इन्फोसिस में हुआ वही आज इसमें है। IT इंडेक्स में ज़ोरदार खरीदारी हुई इसके चलते आज ये बढ़ा है। टाटा मोटर में का मैंने जो कल वीडियो आपको बना के बताया था, अगर कल आपने नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए। कल मैंने बताया था 168 पे जो सपोर्ट ले रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है, अभी यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया, फाइनली यहाँ तोड़ के अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये देखिए इसने कल भी ठीक वहीं पर क्लोज किया था इसने 168 पे, और आज की जो ओपनिंग आप देखेंगे इसकी तो वो है 166.80, यानी कि गैप डाउन ओपन हुआ और जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से इसने गिरावट दिखाई। तो मैंने कल आपको इसको बोला था शॉर्ट लिस्ट में रखने के लिए, अगर आपसे आपने रखा होगा तो पैसे बनाया होगा। बात करते हैं टाटा स्टील के, टाटा स्टील अभी 500 और 515 के आसपास का जो लेवल है उसके बाहर निकलेगा तब ये ट्रेड के लिए हमारी लिस्ट में आएगा, तब तक हम इससे दूर ही रहेंगे। टेक महिंद्रा अगेन एक IT कंपनी है, आज खरीदारी देखने को मिली। टाइटन में बिकवाली देखने को मिल रही है और हो सकता है तो आने वाले दिनों में और इसमें बिकवाली देखे, क्योंकि बजट जो आ रहा है अभी 4-5 तारीख को उसमें कुछ ऐसा है कि गोल्ड पे को ड्यूटी बढ़ाने का सरकार का इरादा है, तो हो सकता है उसके लिए ये नेगेटिव खबर हो और ये गिरावट दिखा दे आपको। UPL में लगातार 50 EMA के ऊपर आज इसने क्लोज कर दिया है दोस्तों, तो हो सकता है ये करीबन अपने को टारगेट मिलेंगे 670 और अगला टारगेट होगा 700 के आसपास का, तो इसको भी आप लिस्ट में बनाए रखें। अल्ट्राटेक में 2 दिनों की गिरावट के बाद आज इसने 4500 पे सपोर्ट लिया है जो कि 50 EMA है, और अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है या चलने लग जाता है कल 4570 के, तो हम इसके भाई के लिए सोच सकते हैं। वेदांता में 3 दिनों की गिरावट के बाद आज हल्की सी खरीदारी है और ये 100 EMA के ऊपर आज क्लोज नहीं कर पाया है, तो देखना या तो कल ये नीचे आ सकता है या इसके ऊपर, अगर ये नीचे खुलता है इसके जैसे 174 के नीचे या 174 पे खुलता है तो एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ हम इसको सेल कर सकते हैं। विप्रो ऑर्गेनिक IT कंपनी आज खरीदारी देखने को मिली। दोस्तों ये देखिए जो मैं दिखाना चाह रहा था आज, यस बैंक वापस शतक पे आ चुका है, ये आज एक अच्छी बात आपको दिखाता हूँ इसमें से। आर एस आई दोस्तों हमें ये बता रहा है कि ट्रेंड जो है उसमें ताकत है या नहीं, ट्रेंड मतलब ऐसा तो नहीं कि कमज़ोर है या वीक बायर या वीक सेलर इस ट्रेंड को बना रहे हैं। देखिए मैं आपको RSI का एप्लीकेशन दिखाता हूँ, देखिए इसमें पहले भी इसने लो लगाया था 100 के आसपास का, आज भी इसने लो लगाया है और क्लोजिंग थी 180 के, पर अब RSI पे हम देखते हैं इसको, जिसने 100 का लो लगाया था तो RSI था 21 और आज का RSI है 29.39। इसको बोलते हैं दोस्तों डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि जब कीमतें तो गिर रही हैं लेकिन उस कीमत में जो सेलर है वो वीक है, उनमें ताकत नहीं है इतनी कि वो ट्रेंड को चेंज कर सके। अगर RSI भी इतना ही गिरता, जैसे मान लीजिए ये 100 था उस समय 20 जून के आसपास, 100 का लेवल बनाया, आज वापस 100 पे आके रुका है, तो उस समय जो ये RSI था अगर इतना आज भी आता था हम समझते थे कि वो वाली बिक वाली वापस आ चुकी है, पर आज इसने लेवल तो वही 100 का ले आया लेकिन RSI में आपको दिख रहा होगा 21 की जगह 29 के आसपास है, तो हो सकता है ये वापस यहाँ से बाउंस बैक कर जाए और आपको 110-120 के लेवल दिखा दें, तो ये भी कल के आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जी में कल अचानक तेज़ी आई और वो सस्टेन नहीं हो पाया दोस्तों तेज़ी, और 50 EMA से कल भी वहाँ से टकरा कर नीचे आया था, आज भी टकरा कर नीचे आया है और नेगेटिव क्लोजिंग दी है इसने, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका भी। ये था हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस।